हेलो बच्चों, टुडे वी लर्न अबाउट आवर लेसन नंबर 6, फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक सारवार। क्या है प्राथमिक सारवार? द फर्स्ट थिंग टू डू व्हेन समवन गेट्स इंजर्ड इज टू कॉल अ डॉक्टर, बट दिस मे टेक सम टाइम। Meanwhile, we can do a few things to help the injured person. The help we can give to an injured person is called first aid. क्या है कि कोई injured होता है, किसी को चोट लगती है, तो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है डॉक्टर को आने में। तो जब तक डॉक्टर नहीं आते, तब तक कुछ चीज़ हम जिसे चोट लगती है उसके साथ करते हैं। तो जो इंजर्ड पर्सन की हम हेल्प करते हैं, वो फर्स्ट एड कहलाती है, प्राथमिक सारवार। अस्पताल तक या डॉक्टर तक पहुंचने से पहले जो घरगथू हम सारवार देते हैं, अगर किसी को चोट लग गई तो हम तुरंत कपड़े से बांध देते हैं, अगर कोई जल गया तो हम पानी से तुरंत धो देते, तो वो फर्स्ट एड कहलाता है, प्राथमिक सारवार। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कट्स एंड वॉन्ड्स, मतलब कटना, जैसे छुरी नाइफ लगता है तो वो कट्स एंड वॉन्ड्स, जख्म। क्लीन द वॉन्ड्स विथ कॉटन और स्टरलिंग, मतलब जम्फ्री goes soaked in an antiseptic lotion like Sevlon or Dettol. क्या है कि वो जो जख्म हो जाता है उसे कॉटन या जम फ्री कपड़ा एक रहता है, इनसे साफ करना। किससे? तो एंटीसेप्टिक लोशन से। ठीक है, नंबर टू, कवर द वॉन्ड और कट विद अ बैंडेज इफ इट इज स्मॉल। वॉन्ड को कवर करना है किससे? तो बैंडेड से, अगर जख्म छोटा हो तो। यूज अ पीस ऑफ स्टेरिल गोज टू कवर अ लार्जर वॉन्ड एंड देन टाई अ बैंडेज ओवर द गोज। क्या होता है, वो कॉटन का एक गोज होता है, अपने अस्पताल में देखा होगा, तो उसका हम यूज़ करके ऊपर बैंडेज लगा देंगे अगर जख्म बड़ा हो तो। नंबर थ्री, इफ द वॉन्ड डज नॉट स्टॉप ब्लीडिंग कवर इट विथ गोज एंड प्रेस फर्मली। अगर वॉन्ड जो जख्म होता है उनसे ब्लीडिंग खून बहना बंद नहीं होते, तो जो गोज होते हैं उनको कवर करके थोड़ा सा प्रेस करना चाहिए, ऊपर हाथ से थोड़ा प्रेस करना चाहिए, दबाना चाहिए। यू मस्ट टेक अ टिटेनियस वैक्सीन इफ यू हर्ट योर सेल्फ वाइल प्लेइंग आउटसाइड। टिटेनियस इज अ डेंजरस डिजीज, इट्स जर्म्स एंटर द बॉडी थ्रू ब्रोकन स्किन। एक टिटेनियस वैक्सीन है, अगर हमें चोट लगती है खेलते वक्त तो वो हमें लेनी चाहिए, क्योंकि वो जो जर्म्स होते हैं वो जहाँ पे हमारी बॉडी, हमारी स्किन जहाँ से कट हुई है वहाँ से जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो हमें ये वैक्सीन लेनी चाहिए जब भी हमें खेलते वक्त कोई चोट लग जाए तो। नेक्स्ट है बर्न्स, जलना। कूल द एरिया विथ कोल्ड वाटर और आइस टिल द पेन डिक्रीसेस। जब तक पेन होता रहता है तब तक घाव को ठंडा रखना है, ठंडे पानी से या बर्फ से। कवर द एरिया विथ स्टरली गोज एंड अ लूज बैंडेज इफ द बर्न इज बेड। ज़्यादा अगर जल गए हो तो हमें वो जो जहाँ पे हम जले हैं वो बैंडेज से हमें कवर करना चाहिए। डू नॉट टाई द बैंडेज टाइटली, यहाँ पे बैंडेज टाइटली नहीं बांधनी चाहिए। जले हुए पे
पट्टी हम लगाते हैं तो वो टाइट नहीं होनी चाहिए। डू नॉट अप्लाई एनी ऑइंटमेंट, स्प्रे, क्रीम और ऑयल ओवर अ बर्न। जले हुए पे कोई भी ट्यूब, ऑइंटमेंट एक एंटीसेप्टिक ट्यूब रहता है, वो कोई स्प्रे, क्रीम या ऑयल नहीं लगाना चाहिए। बर्न्स मेक अस ब्लिस्टर्स विच आर लिटल स्वेलिंग्स ऑन द स्किन दैट लुक लाइक बबल्स, नेवर ब्रेक देम। जलने से हमारे जो स्किन होती है उस पर बबल जैसा हो जाता है, तो उसे तोड़ना नहीं चाहिए, उसे हमें कुछ करना नहीं चाहिए, ऐसे ही रहने देना चाहिए। इफ़ यू क्लोथ्स कैच फायर, अगर आपके कपड़े आग ले लेते, लाई ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे लेट जाओ एंड रोल जेंटली, और धीरे से रोल होते जाओ। इफ अनदर पर्सन क्लोथ कैच फायर, थ्रो अ थिक सीट ओवर हिम और हर। किसी के कपड़ों पे अगर आग लग गई तो उस पर मोटी सी सीट उस पर कवर कर देनी चाहिए, तो जो एयर होती है वो अंदर नहीं जाती। फायर को हवा की ज़रूरत होती है, अगर हवा का सप्लाई बंद हो जाए तो फायर अपने आप बंद हो जाएगा। तो हमें किसी को अगर कोई पर्सन के कपड़ों में फायर अगर हो गई, जल गए किसी के कपड़े, तो उस पर थिक सीट कवर कर देनी चाहिए, उस पर रखनी चाहिए। द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टिंक्स एंड बाइट्स, दैट मीन्स डंक और काटना। इफ समवन इज बिटन और स्क्रैच्ड बाय एन एनिमल, डॉग, कैट, मंकी एट्सेट्रा, क्लीन द वॉन्ड्स विद सोप एंड वाटर। अगर किसी को डॉग, कैट, मंकी जैसे एनिमल अगर बाइट करे या स्क्रैच्ड मतलब नाखून से नाखून लगाए, तो वो जो जख्म होते उसे साबुन और पानी से धोना चाहिए। कवर द एरिया विथ अ बैंडेज और क्लीन हैंडकरचीफ एंड कंसल्ट अ डॉक्टर इमिडिएटली। वो एरिया को बैंडेज या साफ रुमाल से बंद कर देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। द बाइट और स्क्रैच ऑफ एन एनिमल कैन कॉज अ टेरिबल डिजीज कैन कॉल्ड रेबीज, पीपल कैन डाई ऑफ इट। अगर एनिमल का डंक या स्क्रैच हो जाए, इनसे बहुत खतरनाक रोग होता है जिसे रेबीज कहते हैं। इनसे ये डिजीज ऐसा है जिनसे इंसान मर भी सकता है। स्नेक बाइट्स कैन बी वेरी डेंजरस, सांप का डंक, सांप काटने से बहुत ये बहुत बुरा होता है। द वेनम पॉइजन ऑफ अ स्नेक कैन किल पर्सन, जो स्नेक का पॉइजन होता है वो इंसान को मार देता है। द बेस्ट थिंग टू डू इज टू कीप द अफेक्टेड एरिया स्टिल, टू कीप द आर्म एंड हैंड स्टिल यूज अ स्लिंग बैंडेज, टू कीप द लेग स्टिल टाई लॉन्ग स्टिक्स टू इट, डू नॉट लेट द पर्सन लाई डाउन, रश द पर्सन टू अ हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल। अगर किसी को स्नेक ने काटा है तो वो इंसान को मतलब वो जहाँ पे घाव हुआ है वो एरिया वहाँ पे स्थिर रहना चाहिए। हाथ को स्लिंग बैंडेज, गोफन पट्टी बोलते हैं, देखो पिक्चर में है, इनसे बांध देना चाहिए। अगर पैर में है तो लेग को लंबी सी लकड़ी से बांध देना चाहिए और इंसान को लेटने नहीं देना चाहिए, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना चाहिए। द स्टिंग ऑफ एन इंसेक्ट कैन बी वेरी पेनफुल, इंसेक्ट मधुमक्खी होती है, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो काटते हैं, तो उनका भी काटना दर्दनाक होता है। वॉश द एरिया विथ कोल्ड वाटर, जहाँ पे इंसेक्ट ने काटा हो वहाँ पे ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। पुल आउट द स्टिंग विथ अ पेयर ऑफ
ट्वीजर्स एंड वॉश द एरिया अगेन. वो जो इनका काटना होता है, डंक होता है, वो डंक को ट्वीजर्स, प्लकर बोलते हैं हम हमारी लैंग्वेज में, जिसे चिमटा भी कहा जाता है, उनसे निकाल के हमें वो घाव, वो चोट को, डंक को फिर से धोना चाहिए. अप्लाइंग एन आइस पैक और अ प्लास्टिक बैग फिल्ड विथ आइस क्यूब्स कैन ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग. वहाँ पे आइस पैक या एक बैग में आइस क्यूब भर के वहाँ पे रखना चाहिए, तो क्या है कि जो सूजन होती है वो कम होती है. अप्लाइंग अ पेस्ट ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर का पेस्ट लगाना चाहिए. एंड कैलामाइन लोशन कैन फील सूथिंग, और सुखदायक फील करवाएगा कैलामाइन लोशन जो मेडिकल से मिलता है हमें. स्प्रेन्स एंड फ्रैक्चर्स, मोच एंड भंग, भंग मतलब अस्थि भंग, हड्डी का टूटना. द क्रैकिंग और ब्रेकिंग ऑफ अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर. वही कि हड्डी का टूटना या उसमें तिरार होना, इसे फ्रैक्चर कहते हैं. एंड एन इंजरी टू अ मसल नियर अ बोन इज कॉल्ड अ स्प्रेन. मसल में, बोन के पास जो मसल होता है उसमें इंजरी होना, वो स्प्रेन, मोच कहते हैं. सच इंजरीज आर वेरी पेनफुल, और ये जो इंजरी होती है वो बहुत दर्दनाक होती है. एंड द इंजर्ड एरिया यूज्ड स्वेल्स अप, और जो इंजर्ड एरिया होता है उसमें सूजन भी हो जाती है. मेक द पर्सन सिट और लाई डाउन एज कम्फर्टेबली एज पॉसिबल. ऐसे पर्सन को बिठाना या लेटा देना चाहिए जैसे उसको कंफर्टेबल लगे. गिव सपोर्ट टू द एरिया विथ पिलोज और कोशंस, तकिए से उस वो एरिया को सपोर्ट देना चाहिए. यू कैन अप्लाई एन आइस पैक टू ब्रिंग डाउन द स्वेलिंग. जहाँ पे सूजन होती है वहाँ पे आइस पैक लगा के, आइस पैक लगाना चाहिए. डू नॉट ट्राई टू मूव और मसाज द एरिया. वो एरिया को हिलाना नहीं चाहिए और मसाज नहीं करनी चाहिए. हीट स्ट्रोक मतलब गर्मी लगना. व्हेन पीपल आर आउट इन द समर सन फॉर मैनी आवर्स, अगर इंसान धूप में और गर्मी में बाहर निकलता है बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, दे समटाइम्स गेट अ हीट स्ट्रोक. कभी कभी उसे हीट स्ट्रोक होता है. दे फील फेंट और गिडी. वो बेहोश हो जाता है या चक्कर आने लगते हैं. दे मे ऑल्सो गेट अ हेडेक और अ हाई फीवर. उसे हेडेक मतलब सर दर्द या बुखार भी होता है. This happens because the body loses a lot of water and minerals in the form of sweat. क्या है कि ये तब होता है जब हमारी body बहुत सारा पानी और minerals waste कर देते हैं, घुमा देते हैं. The condition of excessive loss of water and minerals from the body is called dehydration. और ये जो कंडीशन है इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं, जिसमें हमारा बॉडी पानी और मिनरल्स खो देता है. डिहाइड्रेशन कैन ऑल्सो ओक्यूर वेन अ पर्सन हैज डिसेंट्री और वॉमिट्स अ लॉट. और डिहाइड्रेशन क्या करता है, सॉरी डिहाइड्रेशन तब भी होता है जब इंसान को डिसेंट्री मतलब लूज मोशन हो जाना या वोमिट्स हो जाती है, ज़्यादा वोमिट हो जाती है, तब भी डिहाइड्रेशन होता है. इट कैन बी डेंजरस, और ये डेंजरस है. पीपल कैन इवन डाई ऑफ इट, और इनकी वजह से इंसान का मृत्यु भी हो सकता है. तो हमें जब भी हम हॉट सन में जाते हैं मतलब ज़्यादा धूप में बाहर निकलते हैं, तो हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए, जिससे हमें
हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। ये बच्चों आपको बहुत ध्यान में रखने की चीज़ है। जब भी हम ग्राउंड पे खेलने जाते हैं, अपने आपका जब भी स्पोर्ट्स का पीरियड हो तो अपनी वाटर बॉटल साथ में लेके जाइए। थोड़ा सा आप दौड़ते हो धूप में तो डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इनसे बचने के लिए हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।